आप लोगों से मैं कह रहा हूं, आप लोग रोज इंटरेक्शन में आते हो, बातचीत होती है, आप जो इस तरह की अनर्गल बात करते हैं उनको बोला करो, बोलना सीखो कि भैया पहले सड़कें देख कर आओ, पहले कॉलेज चलती हुई देख कर आओ, हमारी लड़कियों की कॉलेज चल रही मडेला में उसको देख कर आओ, हमारी कृषि कॉलेज चल रही है उसको देख कर आओ, सड़कों का जाल देख कर आओ। अगर साल बनी है, बाकी तो पहले बहुत बन चुकी है, आगे भी बहुत बनेगी, लेकिन अभी पिलानी विधानसभा के आखिरी गांव से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। डुलानिया से लीखवा बेरी सड़क गांव का सबसे बड़ा मुद्दा, विधायक करते हैं सड़कों का जाल बिछाने का दावा, दावों की खुली पोल, पहली ग्राउंड रिपोर्ट में ही खुली पोल। पिलानी विधानसभा की आखिरी गांव की ग्राउंड रिपोर्ट में पिलानी विधायक के दावों की पोल खुलते हुए नजर आ रही है। डुलानिया से लीखवा बेरी तक सड़क गांव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। विधायक के कार्यकाल में ये सड़क नहीं बन पाई है, 4.5 साल से ये गांव एक सड़क के लिए बाढ़ जोत रहा है। वैसे तो विधायक हर सभा में ये दावे करते नजर आते हैं कि सड़कों का जाल बिछा दिया है, लेकिन विधायक के दावों की पोल पहली ही ग्राउंड रिपोर्ट ने खोल कर रख दी है। ये है डुलानिया से लीखवा और बेरी की ओर जाने वाला रास्ता, इस रास्ते पर पैदल चलना भी मुश्किल है। हालात इतने खराब है कि ग्रामीण इतने परेशान हैं कि ये सड़क गांव का मुख्य मुद्दा बन गया है। हालांकि अभी भी दावे किए जा रहे हैं कि इस सड़क को पास करवा दिया गया है। मुकेश गढ़वाल ने बताया कि पिछले 4.5 साल में इस सड़क के यही हाल देखते आ रहे हैं। विधायक का विकास 4.5 साल में किस प्रकार हुआ है उसका ये उदाहरण ये सड़क बता रही है। उन्होंने कहा कि केवल बातों और वादों में सड़क बन गई है। ये पिलानी विधानसभा का आखिरी गांव है, इसके बाद हरियाणा सीमा शुरू हो जाती है। जब विधायक कहते हैं कि 4.5 साल में सड़कों का जाल बिछा दिया है, तो इस गांव में वो जाल क्यों नहीं पहुंचा? ये बड़ा सवाल है। जिस रास्ते पे आप खड़े हो, ये कौन सा रास्ता है और कितनी सड़कों की जो हालत है वो क्या हालत है? ये पिलानी विधानसभा के नेशनल हाईवे जो डुलानिया लुहारू पिलानी जो जा रहा है उसको और हरियाणा बॉर्डर को जोड़ता है, इधर बेरी लीखवा होते हुए ये रामपुरा जाके हरियाणा में जाता है। ये मेन कनेक्टिव रोड है ये इस विधानसभा क्षेत्र की, और आप देख रहे हो रोड की क्या हालत है, तालाब ही तालाब है पूरी, और मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मतलब किसी को अगर बीमार होना हो, कमर का दर्द लेना हो, तो इस रोड के ऊपर आ जाए। ये इस क्षेत्र के विकास पुरुष ने इस क्षेत्र में विकास की, गंगा और जमुना यमुना सारी मतलब नदियां यहीं बहा दी हैं, आप देख ही रहे हो। आप ये कह रहे हो कि ना सड़कें नहीं बनी हैं गांव में, पिलानी विधानसभा के जो सीमा है उसका सेकंड लास्ट गांव ये है। बिल्कुल है जी, और सड़कों के लिए कहा जाता है कि भी ना उन्होंने काफी सड़कें पास करवाई हैं, तो जो ये स्थिति है वो क्या कहेंगे उस बारे में? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपके सामने है जो है वो। ये कोई मैं बोल जाऊं या आप बोल जाओ वो बात तो है नहीं, किसी को उससे गा के देख लो। 4 साल से यही स्थिति सड़क की, हाँ, इस सड़क की स्थिति है, इसके ऊपर एक कंकर सीमेंट की एक करनी भी नहीं लगी है। स्वीकृति जारी हो चुकी है इस सड़क की, तो बनेगी तब बनी तब जाने ना अपन, तो 4.5 साल तो हो ही गए। यहाँ पे जो विधायक जी हैं तो वो आके देख के गए थे, जब पहले चुनाव उन्होंने लड़ा है तो इन रोडों पे गए थे, और फिर आएंगे इन्हीं रोडों पे वो वोट मांगने के लिए, आना ही नहीं रोड पे पड़ेगा उनको भी। यही गड्ढे, यही नदियां, यही तालाब सब यही मिलेंगे, तो पोखर सब यही है। जाल है क्या उनका, जो वो हर बार अपने भाषण में कहते हैं कि मैंने इतना विकास काम करवाया कि सड़कों का जाल बिछा दिया है, यही सड़कों का जाल है क्या? वो तो यहाँ आके बोलेंगे ना, तो ये गाँव के लोग पूछ लेंगे भाई इन लोगों ने कोई अपने देसी भाषा में कहें मोरडी के बाठो मारे धोना अणकिम क्यों गुन बनी जी, और ये तो इनकी क्या। अब मैं भी जाके आया हूँ, आप भी जाके आए हो, तो लोग तो जाते हैं, मेन कनेक्टिंग रोड है भाई ये नेशनल हाईवे को, और हरियाणा में रामपुरा में एंट्री करती है, आगे बड़े कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन होता है इस रोड का। रामपुरा से हरियाणा में सीमेंट और ये लोहे के बहुत पत्थर का पट्टियों का बड़ा व्यापार है, तो व्यापारिक केंद्र है रामपुरा, तो जो हरियाणा में बड़ा व्यापार होता है यहाँ से, और उसकी हालत देख लो आपके सामने। क्या कहेंगे आप विधायक जी को? विधायक जी को यही कहेंगे कि अब जनता जवाब मांगेगी, अब आप क्या जवाब दोगे? 4.5 साल में स्वीकृति ले पाए, जबकि ये भी है कि कांग्रेस ने काम बहुत किए हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि विधायकों से कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। ये सड़क क्यों नहीं मांगी गई? क्योंकि मुख्यमंत्री देते देते नहीं थक रहे, इसको भी मांगना चाहिए था।
और ये है कि और थोड़ा आगे खिसक के थोड़ा वो पूरी रोड देख लेते हैं आप, सारे यही कहानी है। आप लोगों से मैं कह रहा हूँ, आप लोग रोज इंटरेक्शन में आते हो, बातचीत होती है, आप जो इस तरह की अनर्गल बात करते हैं उनको बोला करो, बोलना सीखो कि भैया पहले सड़कें देख के आओ, पहले कॉलेज चलती हुई देख के आओ, हमारी लड़कियों की कॉलेज चल रही मडेला में उसको देख के आओ, हमारी कृषि कॉलेज चल रही है उसको देख के आओ, सड़कों का जाल देख के आओ। अगर साल बनी है, बाकी तो पहले बहुत बन चुकी है, आगे भी बहुत बनेगी, लेकिन अभी